कोर्ट में कमसन तरह के अंधे कत्ल का मुआमा हल, दोस्त ही कातिल निकला, कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट थाना सबज पीर के इलाके में गुज़श्ता रोज़ 12 साल तरह की बरहाना नाश मिली बच्चे की पुरइसरार हलाकत पर पूरे इलाके में अफसरदगी की फिजा फैली हुई है। पीएम मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी कमसन बच्चे की पुरइसरार हलाकत का नोटिस लेते हुए RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब की थी। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अमजद की सरबराही में अंधे कत्ल का मुआमा हल करने और कातिल को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए थे। SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अमजद ने DSP पसरूर सर्कल मलिक आमिर, SHO सबज पीर आबिद फरूक और SHO अलूरा मोहम्मद असगर पर मुश्तमिल टीम के हमराह कार्रवाई अमल में लाते हुए 24 घंटे से कम अरसे में अंधे कत्ल के मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अब्दुल्ला वर्दन वासिश साखन जमाल जुंड तलहा का दोस्त था। मुलजिम ने तलहा को बदफाली के बाद गला दबाकर कत्ल किया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। पुलिस टीमों ने पेशा वराना महारत को ब्रोए कार लाते हुए 24 घंटे के अंतक मेहनत के बाद मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए तारीफी असनाद का ऐलान किया। DPO का कहना है कि मकतूल तलहा की फैमिली को अदालत से मुकम्मल इंसाफ दिलवाने की खातिर तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे थे मियां मोहम्मद सलीम, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, ग्रेट न्यूज सियालकोट।